अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज मैं एक और गुलाबी गोट्स के फार्म पर मौजूद हूँ और मेरे साथ गुलाबी गोट के एक बहुत अच्छे फार्मर मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज सैयद सरदार अली शाह साहब। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और उनसे पूछूंगा कि गुलाबी गोट्स की जो फार्मिंग है वो किस तरह की जाती है और आज के हिसाब से किस तरह एक्सपीरियंस है उनका गुलाबी गोट्स रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, गुलाबी गोट्स आज एक बहुत मकबूल ब्रीड बन गई है, गुलाबी गोट्स रखना, उनको पालना और काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस सुन के लोग पीछे हट जाते हैं, तो आपने भी गुलाबी गोट्स रखी है, उसके हवाले से बताइए। पहले तो अपने हमें गोट्स के बारे में बताइए, कितनी गोट्स हैं और क्या क्या इनकी प्राइजेस हैं और सारी डिटेल्स इनकी शेयर करें। मेरे पास गुलाबी जो ब्रीड है, बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, जहाँ तक मेरी जो जानकारी है कि ये ब्रीड बेसिकली कोई ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, ये हाइब्रिड ब्रीड है और ये ब्रीड जो है बाय डिफॉल्ट पैदा हुई हुआ। ये कि सिंध की जो ओरिजिनल ब्रीड है, सबसे पुरानी कदीम ब्रीड है, वो है अब हमारी कामोरी जी हाँ, जो कच्चे के इलाके में, दरिया का जो कच्चे का इलाका है, वहाँ पे ये ब्रीड ज़्यादा होती है। कामू गाह भी वहाँ पे ज़्यादा होता था, वहाँ भी ज़्यादातर ये ब्रीड जो है कामोरी वहाँ पे। तो उस तरफ एक ब्रीड है जिसको राजनपुरी कहते हैं, राजनपुरी ब्रीड जो है वो गुलाबी ब्रीड है, उसके सींग नहीं होते, ठीक है, और उसके होंठ गुलाबी होते हैं, पूरी पिंक होती है और वाइट उसकी आईज होती है। तो वो ब्रीड और यहाँ के जो हर्ड जाते थे तो उस तरफ से कच्चे का इलाका है, क्योंकि राइट बैंक सिंध इंडस रिवर का जो राइट बैंक है वहाँ पे है राजनपुर, और इस तरफ जो लेफ्ट बैंक है वहाँ पे हमारे सिंध के इलाके लगते हैं, जो खैरपुर तक जाके आगे तक ये जाते हैं, जाके आपके गुड़की तक और ऊपर जो है वहाँ तक जाते हैं। तो इन ब्रीड्स की आपस में वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कहीं क्रॉसिंग हुई तो वहाँ से ब्रीड पैदा हुई जिसको हम पटेरी कहते हैं, पटेरी ब्रीड पैदा हुई पहले। अच्छा व्यूअर्स, आप देख लें ये गुलाबी की हिस्ट्री बता रहे हैं, गुलाबी ब्रीड बनी कैसे? तो गुलाबी ब्रीड कैसे, पहले पटेरी बनी, ठीक है, पटेरी ये बनी कि उसमें कामोरी के जो पैच बीच में और उसके कंधे में वो पूरी जो है वो कामोरी का कलर आया, अपनी गुलाबी। फिर उन्होंने देखा कि ब्रीड बड़ी ज़बरदस्त डेवलप हुई है, फिर जो खफ्ती थे उन्होंने क्या किया कि अगेन फिर पटेरी को क्रॉस करवाया राजनपुरी ब्रीड। अच्छा, पटेरी को फिर से राजनपुरी से? हाँ, अब हुआ ये, मैं आपको समझाऊँ, हुआ ये कि पहले दो अलग स्ट्रेंथ थे, गुलाबी जो थी उसके कान छोटे थे, सींग नहीं थे और वाइट थी, तो उसको जब बिल्कुल एक ब्लैक ओरिजिन वाली या डार्क ब्राउन ओरिजिन वाली कामोन से क्रॉस हुई तो उसके सिंग भी निकले, और कुछ कलर जो है उसका आया राजनपुरी का, फिर ये पैदा हुआ। फिर आगे चल के वो गुलाबी, ये गुलाबी हमारी कैसे बनी है जिसके साथ हम खड़े हैं, ये ऐसे बनी कि उस राजनपुरी जो ब्रीड थी, ब्रीडर था, उसको क्रॉस करवाया गया उस पटेरी से, जो पटेरी खुद हाइब्रिड थी वो भी क्रॉस थी, तो उसके साथ जब क्रॉस करवाया तो उस पर फिर ये गुलाबी ब्रीड जो है वो निकलना शुरू हुई, क्योंकि ये उसकी, उसको आप कहें कि ये जो F2 कहते हैं, ये F2 ब्रीड हुई, फिर पहले वो F1 हुई, फिर F2 जो है वो जैसे बड़ी कामोरी ने दे दी, इसके सी जो है वो पटेरी जी तो कम थी, तो इसका रेट जो है वो पता नहीं लाखों में सुनने में आया कि किसी ने 27 लाख की ली, किसी ने 20 लाख की ली, किसी ने 25 लाख की, फिर ये कॉम्पिटिशन में आई, इसके बाद अब इसकी मार्केट जो है वो जाके हफ्ते में आपस में इसकी प्राइस जो है वो किसी गरीब के
अफोर्ड से वो अफोर्ड नहीं कर पाते हाँ उसकी जेब से वो जो अनअफोर्डेबल ब्रीड हो पर फिर हुआ ये कि डेफिनेटली अब उसके ब्रीडर ज़्यादा हुए ब्रीडर कहाँ जाते हैं तो वो जो मंडियों में आने लगे वो कुर्बानी में अगर कुछ कुर्बानी में चले गए कुछ ब्रीडर जो है वो लोग लेके अपनी बकरियों को ग्रास कराने लगे। अब आप सिंध में तकरीबन आप जाएँ किसी वक्त कोई आज से 15-20 साल पहले हर जगह पे आपको पटेरी का कलर मिलता था। अब ओरिजिनल पटेरी कहना क्योंकि ओरिजिनल ब्रीड ही नहीं है तो उसमें ओरिजिनल क्या आप कहेंगे। तो उसमें वो कानों की लेंथ देखी जाती है हाइट देखी जाती है ये वो मिला के फिर कहते हैं कि ये ओरिजिनल है। तो अब गुलाबी जो है तकरीबन ये कलर आपको हर जगह पे मिलेगा। अच्छा हाँ क्योंकि वो ब्रीडर बकरियों से लेके उन्होंने ब्रीडर छोड़ दिए गुलाबी के दूसरी बकरियों पे तो वहाँ पे किसी को स्पॉट आ गए किसी को पासे वाली कहते हैं किसी को कहते हैं कपली है ठप्पे वाली है तो ये नाम देके फिर इन्होंने इस ब्रीड को आगे किया। वैसे ये ब्रीड खूबसूरत है मगर आज से मैं ये आपको बताता हूँ कि आज से 2-4 साल के बाद आप ये देखेंगे हर गांव में आपको गुलाबी बकरी मिलेगी हर गांव में। हाँ कलर में गुलाबी होगी। अब आप बकरियों के जो मयार है कि कान इतने होने चाहिए सी कैसे होने चाहिए हाइट कितनी होनी चाहिए इसमें ये ब्रीड जो है वो डेवलप हुई। अब इस पर अगर थोड़ा कंसंट्रेट करें अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। इस ब्रीड में बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा इसको अगर इसके मिल्क लाइन को इम्प्रूव करें ठीक है और इसकी हाइट पे हम जाएँ और उसके वेट में जाएँ हाइट और वेट में जाएँ। अब देखिए मैंने बहुत सी कंपनी के पास ब्रीडर खड़े होंगे हाइट कान उसके होंगे 28-29 हाइट नहीं तो इसमें अब इसकी भी हाइट नहीं है ये आइडियल हाइट नहीं है। अच्छा ये हाइट नहीं है नहीं बकरी की आप जातन बकरी के कंपेरिजन में आप इसको खड़ा करेंगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है कुछ भी हाइट नहीं मगर ये है कि मिल्क लाइन में आप आए मैंने ऐसे रखी हुई है कुछ बकरियाँ शौक के हिसाब से कोई 35-40 के करीब 35-40 में सर आपने भी होली 20 लाख की 30 लाख की 40 लाख की 50 लाख की 60 लाख की आजकल तो हम यही सुन रहे हैं कि 20 लाख 30 लाख 40 लाख 10 लाख तो आपने भी ऐसे ही खरीदी कत्ते ही नहीं मैंने कोई भी ऐसी नहीं खरीदी। अब आपके कानों में आप लेंथ देखेंगे किसी के भी कान 22 किसी के 24 अच्छा हाँ ये होंगे इसके तो सर आपने फिर कितने में परचेज किए उसके हो सकता है 24 तक हो इसके 22 तक हो। तो ये मैंने खरीदी रखी ज्यादा से ज्यादा मेरी परचेज जो है वो 70,000 से बड़ी नहीं 70,000 से बड़ी नहीं नहीं, नहीं। अच्छा व्यूअर्स गुलाबी ब्रीड है इनके पास और ये सिंध की ब्रीड है और ये सैयद सरदार अली शाह जो बता रहे हैं कि कोई इन्होंने 20 लाख 30 लाख की बकरी नहीं खरीदी मैक्सिमम जो उन्होंने गोट परचेज की वो 70,000 की परचेज की है। तो सर इसके पीछे क्या रहते हैं आपको 70,000 मिल गई बाकी लोगों तो 20 लाख 10 लाख 30 लाख। अब मैं आज आप मेरे साथ आए हो मैं कर सकता हूँ। अब ये सदाम मैं तो खुद भी ब्रीडर है बड़ा कंपनी है। अब मैं और सदाम आपस में मिलके इसको मैं कहूँ कि भाई ये मैंने आपको बेच दी आप मेरा वीडियो बना लें मैं ये कहे कि मैंने 20 लाख में सही सरदार शाह से ये बकरी खरीदी है मैं कहूँ कि मैंने 20 लाख में इसको बेच दी है तो बस कहानी चल पड़ेगी। कहानी चल फिर मैं जो कॉमन जो लोग हैं ब्रीडर हैं उनके साथ ये ज्यादती होती है ऐसी बात यह है इससे महंगी जो है वो कामोरी अगर 2 लाख की आपको मिलती है या 1.5-2 लाख 2.5 लाख तक मैं मानता हूँ 2 से 2.5 लाख हाँ मैं मानता हूँ 2-2.5 लाख तक हो क्योंकि वो ब्रीड बहुत रेयर है और उसका वो इन ब्रीडिंग की वजह से वो वीक हो गई है। इन ब्रीडिंग यानी हमारे भागियों ने क्या किया शौकीनों ने क्या किया कि अपनी ही ब्रीड के ब्रीडर मुसलसल छोड़े उनके 2-4 मरतबा वही उसी ब्रीडर से ब्रीड करवाई तो वो ब्रीड बेसिकली अपने स्ट्रैंड में वो वीक हो गई इसलिए वो कम है। कामोरी ओरिजिनल ब्रीड है सिंध की और उसकी अगर आप वैल्यू कहें तो 2-2.5-3 लाख में मान सकता हूँ कोई मांगे तो वो हक पे जाने होगा। अगर इस बकरियों का अगर कहे तो आप ये ब्रीडर ये खड़ा है ना सामने ये मुझे गुलाम अहमद जंजी ने दिया था गिफ्ट किया था ब्रीडर। अच्छा जी हाँ ये इसकी हाइट चलाना बच्चों को इसकी हाइट कितनी होगी और ब्रीडर को भी लाना है हाइट इसकी होगी मेरे ख्याल में 48-49 अच्छा 48-49 तक इसकी हाइट होगी इसके कानों की भी जो लेंथ है वो भी 24-25 तक होगी हाँ यार हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो। अच्छा और अभी वीक है क्रॉसिंग इसने बकरियों की हुई है तो ये बहुत वीक हुई होगी। अब ये बकरियाँ देखिए अब सिंगों में जाते हैं कफ्ती ही के भाई सिंग ऐसे हों कान ऐसे हों ये भाई हाइब्रिड ब्रीड है इसके अगर ऐसे कान बन गए हैं तो ये हादसाती तौर पे बन गए अब जरूरी नहीं है इसके हर बच्चा ऐसे कान अपने सींग बनाए। अच्छा हर बच्चा नहीं बनाएगा क्योंकि उसकी ब्लड लाइन में पीछे से बिगड़ते बिगड़ते हुए किसी की माँ के कान टेढ़े होंगे बाप के टेढ़े होंगे बिल्कुल
कोई हेरिडिटी में ये होता है 3-4 नस्लों के बाद अगर आप में कोई कुछ में मेरे ब्लड लाइन में कोई बीमारी है, मेरे हेरिडिटी में कोई बीमारी है, मौरूसी है, तो वो 5 जनरेशन के बाद भी आ सकती है। तो लाजमी नहीं है कि इसके हर बच्चे ऐसे ही इसके सींग हो, इसके कान भी इतने हो। अच्छा, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अच्छा सर, आम बंदा ये जिस तरह की आपने गोट्स खरीदी है माशाल्लाह आप बता रहे हैं, तो आम बंदा हमारी तरह का आम बंदा ये 60-70 हज़ार 80 हज़ार में किस तरह खरीद सकते हैं ऐसी गोट्स? मैं समझता हूँ बनियों में ये ब्रीडर थोड़ा अच्छा ले जी, वो भी 60-70 80 तक अच्छा ब्रीडर बन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कान की लेंथ अच्छी हो। ठीक है, और बकरियाँ 35 तक 40 तक एवरेजली 50 तक हो सकता है बकरी मिल जाए, वो अच्छा ब्रीडर उसमें क्रॉस करवाए। और अभी AI मैंने डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है मिनिस्टर साहब को कि बकरियों में भी AI जो बड़ी आसानी से होती है, तो अच्छे अच्छे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसके सीमन लेके अच्छे अच्छे ब्रीडर्स के तो वो गरीबों में लोगों में प्रोवाइड करें कि उनके बच्चों की जो उनके पास 2-4 बकरियाँ खड़ी हैं किसी ब्रीडर के पास, उसको ये फ्री फैसिलिटी हो कि उसके पास अच्छा बच्चा हो जो कुर्बानी पे कम अज़ कम वो 60-70 हज़ार का बेच सके। तो कुर्बानी में इसके मेल अच्छे प्रिपेयर हो सकते हैं, आप क्या समझते हैं? अच्छे बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर वाइट स्किन को या ब्लैक को या इस तरह को लाइक करते हैं, या ब्लैक हो और वाइट हो बिल्कुल लुकरी हो उसको लाइक करते हैं, तो उसके अच्छे हो सकते हैं। इसकी क्रॉसिंग अगेन हो सकती है। अच्छा, इसकी और हाइट बढ़ाने के लिए क्योंकि राजनपुरी जो बकरे हैं या बकरे उनकी हाइट बहुत बड़ी है और उसको रोज भी रोमन है, अगर थोड़ी कानों की क्राइटेरिया को हम कम कर दें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि हम चले जाएं वेट भी कि कोई बकरा जो है 4 मन का 3 मन का बकरा अगर बन जाए तो वेट के हिसाब से भी वो 1.5 लाख कर लेगा। हाँ, तो उसमें हम अगर इसको अगेन ग्रास करवाएं कानों को थोड़ा हम कम्प्रोमाइज कर लें कि भाई कान खाता कोई इंसान नहीं है और ना किसी वैसे काम का नहीं है सुनने के अलावा, काम है इसका गोश्त में और चाहे मिल्क में। मिल्क में ब्यूटी को भी साथ रखें मगर ब्राइट प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी आप बोले कि मिल्क और मीट को दें। अब मेरे पास बकरियाँ हैं जो जिसकी मिल्क अच्छी है उसके बच्चे भी अच्छे हैं। अच्छा सर, मिल्किंग कितनी होगी आपके पास जो बकरियाँ अंदाजन कितना मिल्क देती हैं जो आप? मेरे ख्याल में इसमें ये मिल्क लाइन इसकी बड़ी वीक है। अच्छा, वीक है। और यहाँ पर अगर कोई बकरी होगी तो अगर कोई मेरे ख्याल में कोई 1.5 किलो तक का दूध वाली होगी। 1.5 किलो तक की होगी जी हाँ, जो मैंने पूछा था आपने बकरी इनके पास रही। अब देखिए अगर ये 3 बच्चे करती है, अब बच्चे को चाहिए क्या? बच्चे को चाहिए अपनी बॉडी वेट का 15% दूध चाहिए। अगर कोई बच्चा पैदा होता है वो 3 किलो का है, 3 kg का है, तो उसको आप समझें कि 0.5 किलो के करीब दूध चाहिए। अब बकरी में है ही 0.5 किलो, वो 3 बच्चे कैसे पालेगी आप मुझे बताएं? नहीं पाल सकेगी। तो वो आपका शौक भी कंटिन्यू नहीं होगा। बोतल पे आप कितना पिलाओगे भैंस का या किसी और का? कितना पिला सकते? नहीं पिला सकते। तो ये वो शौकीन कोई रख के 2-4 बकरियां पाल के वो बोतल पे रख सकता है, वरना आपको इसी तरह नेचुरल ग्रेजिंग के बकरियों को रखना होगा जो उसका ओरिजिनल बकरी उनका है। आप इनको नेचुरल ग्रेजिंग में रखते हैं और घास वगैरह बस खिलाते हैं? बस घास खिलाते हैं इनको, नेचुरल रखते हैं और थोड़ा बहुत इनको भूसा वगैरह अगर घास कम हो जाता है तो फिर वो देते हैं और बाकी मेरे पास कोई फैटनिंग वाला ऐसा चक्कर नहीं है, ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा, और मैं कहता हूँ शौक वो है जो पायदार हो और ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल जी। चले सर, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आपके पास इतनी जखीरा है नॉलेज का कि आप हर फील्ड में माशाल्लाह आगे ही आगे होते हैं और आपको हर फील्ड की नॉलेज है माशाल्लाह। तो हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं उनको गुलाबी गोट्स के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? मैं कहता हूँ कि ब्रीड अच्छी है, हाइब्रिड है, ओरिजिनल ब्रीड नहीं है और बन बन के बनी है। इस ब्रीड को आप ज़रूर रखें और इसमें आप कोशिश ये करें कि आप मीट और मिल्क को जहन में रखेंगे तब ये पायदार होगी, उसके बच्चे भी अच्छे तरीके से पल सकेंगे और आपको भी प्रॉफिट देंगे। और मंडियों में और या कहीं किसी भी जानने वाले ब्रीडर से आप जाके कोई 30-40-50 हज़ार तक की बकरी लें, ब्रीडर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आप ले लें तो आपके पास ब्रीड डेवलप हो जाएगी और फिर आप कह सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट ब्रीड है। कोई बच्चा आपके पास 29 इंच कान का आ सकता है, कल आपके मुकाबले में जा सकते हो, मगर मैं उनके मुकाबलों में और इन चीज़ों में इस तरह बिलीव नहीं करता कि फकत ब्यूटी हो। जी हाँ, तो पंजाब देखे ना, पंजाब में बीतल जो है वो बकरी दूध के हिसाब से बड़ी मशहूर है, तो
मैं इस पे आया कि हमारे पास भी ऐसी बकरियां ब्रीड मौजूद है जो जातन ब्रीड है, जातन को हमने डेवलप किया है, वो 6 किलो तक दे रही है, मेरे पास दे रही है 6 केजी तक, 3 केजी सुबह, 3 केजी शाम, 6 केजी अगर वो 4 उसके बच्चे भी हो, वो आधा आधा किलो अपने बच्चों को दे तो 2 किलो 4 किलो फिर भी वो बालक को दे सकते हैं। आज की गुलाबी गोट फार्म की वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपना ख्याल रखिएगा।